स्टडी करने वाले कि कल के दिन निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान हो सकता है। साथ ही साथ हम कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ये भी देख लेंगे कि आज कौन से स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया और कल के लिए कौन से स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, किनको हम वॉचलिस्ट में रखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपना एनालिसिस स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी से। राइट, यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी को ध्यान से देखें, व्हाट वी कैन सी, हम कई दिन से स्टडी कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी एक डाउन चैनल में चल रहा था। राइट, अब देखो हुआ क्या, हमने कल के दिन क्या स्टडी किया था कि अगर इस हाई के ऊपर मार्केट जाता है तो वी कैन गो फॉर अ बुलिश टाइप ट्रेड, हम वीकली में बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। बट आज का जो कैंडल हुआ इसने शो किया कि भाई मैं एकदम यहीं से रिजेक्शन दे रहा हूँ। देखो एग्जैक्टली सेम लेवल से यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिला, तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर एक्टिवेट है और अगर ये लो ब्रेक होता है तो मार्केट एकदम इस लेवल तक आ सकता है। कौन सा लेवल है, 44,600 या 500 तक का लेवल है, मार्केट आराम से यहाँ आ सकता है। और अगर चलती फ्लो में अगर मार्केट ये लो ब्रेक किया तो बहुत अच्छा फॉल हमें देखने को जरूर मिलेगा। बट अगेन कल के दिन अगर रैंडम कुछ मूव आता है और मार्केट इस हाई के ऊपर जाता है तो सेलिंग का मूड वहां पे खत्म हो सकता है। तो धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो 15 में टाइम फ्रेम में जाते हैं, आज का दिन मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया वो देख लेते हैं। और आज मैंने जस्ट आपको बस दो लेवल बता दिया था, अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया था जरूर ज्वाइन होकर रखना। टेलीग्राम में सुबह 9:30 बजे के आसपास हम वीडियो बनाते हैं, वहीं मैंने आपको बता दिया था कि आज कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल होगा। 45,100 अपसाइड में लेवल, ये कल बताया था, डाउन साइड 44,800 बताया था। तो हमने देखा कि मार्केट ने ना उसको ब्रेक किया अपसाइड, ना नीचे ब्रेक किया, तो हिसाब से आज हमें कोई भी ट्रेड प्लान नहीं मिला फॉर ऑप्शन बायर। बट ऑप्शन सेलर का बहुत अच्छा दिन था, यहाँ भी आपको अच्छा खासा टाइम डीके देखने को मिला एज एन ऑप्शन सेलर, जो मैंने लेवल आपको बताया था सुबह सुबह, अगर आपने वहां पे शॉर्ट ट्रायंगल बनाया होता तो कहीं ना कहीं जरूर प्रॉफिट मिला होता। फाइन, अच्छा आज के जो टेलीग्राम वीडियो था वहां मैंने डिस्कस किया था अबाउट फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी में मैंने एक ट्रेड लिया था, आई थिंक मैंने डिस्कस किया था, आज मुझे याद भी नहीं आ रहा, जस्ट दिखा दे रहा हूँ। फिन निफ्टी में अगेन मैंने साइडवेज का ट्रेड लिया था, मुझे लग ही रहा था मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा और हमने शॉर्ट ट्रायंगल बनाया था। क्विकली दिखा रहा था शॉर्ट ट्रायंगल में कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे अप्रोक्स 5,200 का प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज 5% ऑन इंट्राडे लेवल। मतलब ये जो ट्रेड यहाँ पे लिया गया इट इज ट्रेड टेकन ऑन 1 लाख कैपिटल, अगर 5% भी आता है इंट्राडे में दैट इज इनफ, ये एक्सपायरी डे में नॉर्मली देखने को मिलता है। तो अभी तक काफी अच्छा हमारा यहाँ पे पोर्टफोलियो चल रहा है। दो दिन पहले हमने लॉस दिया था, उसका अपडेट भी आपको दिया, कल भी हमारा प्रॉफिट हुआ था और धीरे धीरे हम और भी आगे धीरे धीरे करे जा रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश करूंगा इसका रेगुलर अपडेट देने का, बट नॉट नेसेसरी कि हमेशा ही देने वाला हूँ, ये नॉर्मली हम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं। एक बैंक निफ्टी वापस आते हैं, देखते हैं कि कल के लिए क्या ट्रेड प्लान हो सकता है। ध्यान से देखिए, अगेन सेम लेवल हमारे पास रेडी है, दैट इज अपसाइड में 45,100 लेवल, डाउनसाइड में लेवल अगेन सेम होगा 44,800। जब तक ये दो लेवल ब्रेकआउट नहीं होता मार्केट में ट्रेड नहीं होगा, ऑप्शन बायर्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। बट एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि कंटिन्यू दो दिन से मार्केट साइडवेज है, कोई मेजर मोमेंटम नहीं दे रहा है और कल है वेडनेसडे, एक्सपायरी से एक दिन आगे। अब कल का दिन भी अगर मार्केट साइडवेज होता है तो एक्सपायरी में 90% चांस है आपको जीरो टू हीरो कॉल जरूर मिलेगा, मतलब हम नहीं देने वाला, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा जीरो टू हीरो का, मतलब ट्रेंडिंग डे होने का चांसेस है कल या परसों के अंदर। ठीक है, तो इसका आपको अपॉर्चुनिटी देखना है। अब देख लेते हैं मार्केट कहाँ ओपन होगा, उससे आपसे क्या ट्रेड लेना है। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि मार्केट गैप ओपनिंग होता है, डायरेक्ट गैप ओपनिंग हो रहा है इस लेवल पे। राइट, अगर हम देखा ओपन होने के बाद मार्केट अगर नीचे की तरफ आता है, डोंट गो फॉर बाई साइड ट्रेड, हम बाइंग साइड तब तक नहीं जाएंगे जब तक मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर ना ब्रेक कर जाए। अगर मार्केट नीचे आता है, इस लेवल पे सपोर्ट लेता है फिर ऊपर भागता है, मतलब 45,120 के ऊपर अगर सस्टेन करता है देन ओनली वी कैन गो फॉर अ बाई साइड ट्रेड, मतलब कोई बुलिश ट्रेड नहीं तो पुट सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं। और अगर हम देखा कि मार्केट ओपन होते नीचे आता है और नीचे सस्टेन करता है तो कॉल सेलिंग या पुट बाइंग का ट्रेड भी हम देख सकते हैं, बट थोड़ा सा रिस्की रहने वाला है, इंस्टेंट यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी थोड़ा कम होगा क्योंकि यहीं पे मल्टीपल सपोर्ट है, लेते भी हो तो मार्केट बहुत छोटा छोटा टारगेट आपको देगा और इस हिसाब से आपको स्टॉप लॉस में मेंटेन करना पड़ेगा। फाइन, ये तो हो गया गैप अप का सीन। अगर देखते हैं कि मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन हो रहा है, एकदम ये रेंज है नीचे की तरफ 44,900, अपसाइड में रेंज है 44,050 लेवल अप्रॉक्स। तो अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर ओपन होता है, वेट एंड वॉच करना है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं कि अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट सस्टेन होता है, 44,900 के नीचे सस्टेन होता है, तब जाके एक सेल अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, इंस्टेंट 100 पॉइंट का टारगेट होगा। अगर और भी मार्केट नीचे फॉल करता है तो 44,700 44,600 का टारगेट हम देख सकते हैं। बाइंग साइड में वेट करेंगे प्रॉपरली 45,000
1100 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाता तब तक बाइंग हमें नहीं लेना, अगर उसके ऊपर गया तब कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। एक बार आप डेटा कंफर्मेशन देख लेना, अगर डेटा साइड में 45100 में सेलर थोड़ा डिक्रीज होते हैं तभी जाके हम ट्रेड प्लान करेंगे, और इसका अपडेट डेफिनेटली कोशिश करूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल में देने के लिए। अब नेक्स्ट है कि गैप डाउन ओपनिंग में क्या करना है। देखो गैप डाउन ओपनिंग में कितना गैप डाउन हो सकता है, 200 पॉइंट 150 पॉइंट, तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ ओपन होगा, तो यहाँ ओपन होने के बाद भी मार्केट में मुझे लगता नहीं कोई बाइंग मोमेंटम आएगा, अगेन मार्केट साइडवेज ही जा सकता है। तो बेस्ट केस सिनेरियो यहाँ पे हम शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाने वाले, गैप डाउन के बाद अगर 44750 के नीचे सस्टेन करता है तब यहाँ पे कोई सेलिंग ट्रेड प्लान मतलब बियरिश कोई ट्रेड हम ले सकते हैं। अगर इसके नीचे नहीं आता मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे साइडवेज ट्रेड प्लान करता है तो बेस्ट केस सिनेरियो आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, कहीं ना कहीं जरूर आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, राइट। ये तो चलो हो गया बैंक निफ्टी में, एक बार निफ्टी स्टडी करते हैं। निफ्टी में हमने क्या स्टडी किया था कल के दिन में, कल हमने देखा था कि अगर इस लो के नीचे मार्केट आता है, दैट इज अप्रोक्स 565-570 के लेवल बताया था कि अगर इस लो के नीचे मार्केट आता है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, टारगेट आपका यहां तक रह सकता है। तो वही हुआ, मार्केट एग्जैक्ट यहां पे आया, फिर अगेन साइडवेज चला गया। तो आज एक ही लेवल था यहां पे ट्रेड करने का, इसके अलावा यहां पे कोई पैटर्न था नहीं ट्रेडेबल, फाइन। तो यहां पे कल का प्लानिंग क्या होगा, अगेन हम यहां पे ध्यान से देखेंगे, कल का जो लेवल्स था दोनों इंटैक्ट है, अपसाइड में 19625। तो अगर कल हमें मार्केट दिखता है गैप ओपनिंग, ठीक है, सीधा गैप ओपनिंग मार्केट 750 से सीधा अप्रोक्स 50 या 60 पॉइंट अगर गैप ओपनिंग होता है कहीं ना कहीं इस लेवल पे, क्या करना है, वेट एंड वॉच करना है कि फर्स्ट कैंडल जो बन रहा है उसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर फर्स्ट कैंडल के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, ओपन टारगेट अपसाइड में रहने वाला है, 650, 775 और 700 का टारगेट हम अपसाइड में देख सकते हैं। मगर अगर हमने देखा कि मार्केट फर्स्ट 15 मिनट कैंडल या फर्स्ट 5 मिनट कैंडल के नीचे आता है तो मैं यहाँ पे पुट बाय कुछ अवॉइड करके बेटर आई विल गो फॉर अ कॉल सेल, क्योंकि मार्केट बहुत यहाँ पे साइडवेज जाके बेरिश होगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम सपोर्ट यहाँ पे मार्केट आराम से ले सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो पुट साइड में अगर आप ट्रेड लेते हो ऑप्शन बाइंग में मल्टीपल एसएल हिट होने के चांसेस रहेगा, मैं बेस्ट यहाँ पे ओटीएम ऑप्शन सेल करूंगा, यहाँ पे आराम से बेरिश ट्रेड मिल जाएगा, फिर भी एक स्टॉप लॉस वहां भी मेंटेन रह सकता है, फाइन। चलो अब देखते हैं कि अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन होता है, अपसाइड में 19600, डाउनसाइड में 19550, तो वेट एंड वॉच करेंगे, मार्केट को अपसाइड सस्टेन करने देंगे। अगर साइडवेज होने के बाद मार्केट ऊपर जाता है 19630 के ऊपर सस्टेन करता है तब जाके कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, मतलब एकदम ये लेवल के ऊपर, और नीचे की तरफ 19540 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है अप्रोक्स इसके नीचे, तो यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मतलब बीएली स्ट्रेट यहाँ पे हम देख सकते हैं, फाइन। इस साइड के ऊपर हम बाइंग देखेंगे, इस साइड के नीचे सेलिंग देखेंगे, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो अब देखते हैं कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, देखो गैप डाउन के सीन में कहीं ना कहीं मुझे मार्केट साइडवेज टू बीएलिस लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट सीधा ओपन होता है 19500 के आसपास, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई लो मार्क करेंगे, अगर मार्केट उसके ऊपर जाता है यहीं पे सोच रहे होंगे कि अब बाई करना पड़ेगा, नहीं ऐसा मत करना कि कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन दिखाएगा। अगर कोई प्राइस एक्शन बनता है यहाँ पे बाइंग का और डेटा मैच कर जाता है तो कहीं ना कहीं शायद से बाइंग देख सकते हैं, बट एज पर प्राइस एक्शन मैं यहाँ पे बेस्ट केस सिनेरियो यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा अंडर 540 के नीचे रहता है। जब तक मार्केट 19540 के नीचे है मैं यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखना ज्यादा प्रिफर करूंगा, और अगर 540 के ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं बुलिश टू साइडवेज का ट्रेड यहाँ पे हो सकता है, फाइन। अच्छा यहाँ पे और डिटेल में अगर आपको एनालिसिस चाहिए तो जरूर हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना, क्योंकि टेलीग्राम में डिटेल में एनालिसिस ऑलरेडी दे दूंगा मैं, अगर किसी भी और तरीके से मार्केट ओपन होता है तो उसका एनालिसिस जरूर आपको दिया रहेगा। आई होप आपने अभी तक जितना भी हमारा एनालिसिस देखा है कहीं ना कहीं आपको हेल्प तो जरूर मिला होगा। मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप किस में ट्रेड करते हो, क्या आप इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड करते हो, इंडेक्स फ्यूचर में ट्रेड करते हो या स्टॉक्स में ट्रेड करते हो। अगर स्टॉक में ट्रेड करते हो तो इस अगला पार्ट आपके लिए है, अगर आप इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो मुझे जरूर बताना, तो जो एनालिसिस मैं दे रहा हूं इससे आपको हेल्प मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, और आज का रिजल्ट आपका कैसा हुआ, आज आपने प्रॉफिट किया ना लॉस किया, आज ऑप्शन सेलिंग किया ना ऑप्शन बाइंग किया, मुझे थोड़ा डिटेल में बताना तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ चलो जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं ट्रेड करके कुछ प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, ठीक है। अभी तक आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो अभी के अभी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब क्यों नहीं किया, अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलो अब कुछ स्टॉक्स एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले प्रीवियस डे स्टॉक देख लेते कि उन्होंने कैसे परफॉर्म किया। सबसे पहला स्टॉक यहाँ पे ओपन किया दैट इज एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट मैंने आपको बोला था फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई दैट इज 2563 या 2560 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छा क्लोजिंग मार्केट ने दिया, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पे एक एंट्री बन रहा था दैट इज अराउंड 2563, यहाँ पे स्टॉप लॉस अप्रोक्स बैठ रहा है 2555। तो अगर ध्यान से देखें तो 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड हमें आराम से यहाँ पे देखने को मिला, फाइन। तो पहला स्टॉक का, अगला स्टॉक यहाँ पे देखेंगे दैट इज हेवेल्स। हेवेल्स मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो सुबह का एनालिसिस जो हमने टेलीग्राम बताया था, किस हाई के ऊपर मार्केट जाता है तो बाइंग करेंगे, 1:1 का टारगेट सेट करेंगे। देखो एक्जैक्टली 1:1 का मार्केट ने टारगेट दिया, मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम आपको दिखाता हूँ। देखो कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास ये जो मैंने लेवल ड्रॉ किया था टेलीग्राम में, अगर आपने देखा हो तो आपको ये जरूर याद होगा, मैंने एक्जैक्टली यहाँ बनाया था। तो जैसे इसके ऊपर मार्केट
ने सस्टेन किया, यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता था, 7 रुपए का स्टॉप लॉस और अपसाइड में 60 रुपए का ही यहाँ पे टारगेट आया। मैंने आपको बोल ही दिया था 1:1 का ही लेना है, ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। अगर आपने नहीं लिया हो तो कहने की कॉस्ट में जरूर निकले होंगे, लॉस तो नहीं लिया होगा। ठीक है, चलो ये था अगला स्टॉक। लास्ट स्टॉक देखेंगे जो रिलायंस था। अब रिलायंस में मैंने आपको क्या बोला था कि अगर इस लो के नीचे मार्केट आता है, मुझे एग्जैक्ट एनालिसिस अभी याद नहीं आ रहा क्योंकि आज सुबह में अवेलेबल था नहीं, मैंने एनालिसिस देके छोड़ दिया था, बट एज पर प्राइस एक्शन मोस्ट पॉसिबल चांस यहाँ पे एंट्री हो सकता था। एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस 4.905 रुपए का स्टॉप लॉस हो सकता था। उस हिसाब से जो रिस्क टू रिवॉर्ड हमें देखने को मिला है, मैं यहाँ भी कंसिडर नहीं कर रहा, मैं इस हाई तक बस यहीं तक का कंसिडर कर रहा हूँ। यहाँ तक भी हमें 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड देखने को मिल चुका है। तो आउट ऑफ 3 स्टॉक तीनों स्टॉक में हमें एंट्री मिला, अगर एक स्टॉक को हटा भी देते तो बाकी दोनों स्टॉक में बहुत अच्छा हमें मोमेंटम देखने को मिला। तो मुझे कमेंट में बताना कि आप स्टॉक में ट्रेड करते हो कि नहीं करते, और आज का आपका कैसा अपॉर्चुनिटी आपको मिला ट्रेडिंग में। फाइन, चलो अब नेक्स्ट दिन के स्टॉक देख लेते हैं जिनमें हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो सबसे पहला स्टॉक मैंने रखा हुआ है, दैट इज परसिस्टेंट सिस्टम। इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे। आप लोग मुझे कमेंट में बताओ व्हाट इज दिस पैटर्न, ये कौन सा पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है, मुझे कमेंट में जानना है। एवरीवन जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, अप्रोक्स 400-500 मिनिमम स्टूडेंट्स देखते हैं, मिनिमम हमारे सब्सक्राइबर देखते हैं, सबके सब अभी कभी कमेंट करो व्हाट इज दिस पैटर्न। अगर आप कमेंट करते हो तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई एक्चुअली मैं स्टॉक मार्केट में कुछ सीखने के लिए आयो, एटलीस्ट प्राइस एक्शन समझने के लिए आयो। अब मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। इस पैटर्न का नाम मैं नहीं बता रहा, इस पैटर्न का नाम मैं कल टेलीग्राम में बताऊंगा। जिनको नहीं पता पैटर्न का नाम, आप लोग कमेंट सेक्शन चेक करना, जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया आपको वहीं से मिल जाएगा, और मैं पिन भी कर दूंगा अगर पॉसिबल हो तो करेक्ट आंसर को। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे बिलो दिस लेवल। ये लेवल है अप्रोक्स 4850 के नीचे, कल अगर मार्केट सस्टेन करता है हम यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। मिनिमम जो यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रखने वाले हैं, दैट इज 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड, चांसेस आर देयर 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे मिल सकता है। मतलब अगर हमने 10 रुपए का रिस्क लेते हैं जो नीचे जो रिवॉर्ड आने वाला है, दैट वी कैन एक्सपेक्ट अराउंड 20 पॉइंट। ठीक है, हम 20 पॉइंट का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब डबल ऑफ रिस्क। अगर हम रिस्क लेते हैं 10 रुपए का तो 20 रुपए का रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं बता रहा कि अभी 10 रुपए का एसएल बैठाना है, आपको चार्ट के हिसाब से एसएल बैठाना है, जो भी एसएल बैठाओगे उसका डबल हमें रिवॉर्ड पॉसिबल मिल सकता है। ये सेलिंग साइड हो गया। बाइंग साइड में क्या करना है, बाइंग साइड में वेट करेंगे 4880। अगर 4880 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख सकते हैं। फाइन, यहाँ भी 1:1 का मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। फाइन, तो ये स्टॉक था परसिस्टेंट, सबसे पहला स्टॉक। अगला स्टॉक हम जो देख रहे हैं दैट इज बजाज फिनसर्व। अब इसको ध्यान से स्टडी किए, हम इसको क्यों रखा हुआ, देखो कंटिन्यू ये इस लेवल पे रिजेक्शन दे रहा था, राइट, आज भी रिजेक्शन दिया, बट लास्ट में जो क्लोजिंग आया लेवल के ऊपर क्लोजिंग आ रहा, मतलब ये नहीं कि कल बाइंग कंटिन्यू हो, कल कुछ भी हो सकता है, हमें लेवल्स रेडी करके रखना है। डाउन साइड में लेवल है 1505 का, अपसाइड में लेवल है 1520 का। अगर कल के दिन हमें 1520 के ऊपर मार्केट जाता हुआ दिखता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, मिनिमम आपका टारगेट हो सकता है, पर रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 का होगा। और अगर ये स्टॉक कल नीचे की तरफ फॉल करने का सिनेरियो दिखाता है, 1505 के नीचे सस्टेन करता है, तो अगेन हम यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड हम मिनिमम मेंटेन यहाँ पे कर सकते हैं। आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। चलो अगला स्टॉक देखेंगे, दैट इज फाइनल स्टॉक। आज का वीडियो थोड़ा सा लेट जा रहा है तो प्लीज कंसिडर कीजिए आज के वीडियो को, राइट। लास्ट स्टॉक है यहाँ पे यूनाइटेड स्पिरिट, मतलब मैकडोवेल। इसको रखने का रीजन क्या है, अब देखो यहाँ पे मार्केट ने पहले भी रेजिस्टेंस दिया था, अगेन मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया, तो यहाँ पे ध्यान से देखें, मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दिया, कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के आसपास क्लोजिंग है। तो अगर हमने कल देखा कि ये स्टॉक अगर ये 1020 के ऊपर सस्टेन करता है अप्रोक्स इस लेवल के ऊपर, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर कल ये स्टॉक 1012 के नीचे सस्टेन करता है तो यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं। फाइन, यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, अगर मार्केट ट्रेंड लाइन के नीचे आता है, इस सपोर्ट के नीचे आता है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी, अगर मार्केट ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करता है, साथ ही साथ ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, तो इसके ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। आई होप ये स्टॉक आपको सब क्लियर हो गया। आई एक्सपेक्ट कि आप जितने भी स्टॉक यहाँ पे देख रहे हो सब रिकमेंडेशन के हिसाब से नहीं पकड़ रहे हो, आप इनको खुद भी एनालिसिस कर रहे हो, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा जो एनालिसिस मैं देता हूँ आप खुद से भी एनालिसिस कीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा एनालिसिस और सबका एनालिसिस मैच कर रहा है, तब जाके आप ट्रेड अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख सकते हो। तो फिर चलिए मिलते फिर अगले दिन में, थैंक यू वेरी मच।